ये बर्गर इस पर ढक गया और इस पर इनका टिश्यू लग गया, बस बस कटिंग कटिंग कटिंग। वेनिला और चॉकलेट मिक्स वाला है ये, इसमें गए ड्राई फ्रूट्स। ओ भाई क्या कर रहे हो शंकर जी, मेल्ट तो नहीं हो जाएगा? पक्का कॉन्फिडेंस है? नाम की तीन चीज़ें, बर्गर और इतना फेमस है, इतना फेमस है देहरादून वालों पे कैमरा डाला जाए। हाँ जी भरत भाई, बहुत फेमस है भाई देहरादून के ना कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं ना जो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हर देहरादून वाले ने बोला था कि भाई ये ज़रूर खाना। उनमें से एक मेरे पीछे है बफे बर्गर, यहाँ का हम लोग खाने वाले बर्गर और कुछ कुछ चीज़ें खाएंगे, अब लोगों को दिखाते हैं और क्या इनका प्राइजेस है, क्या टेस्ट है, क्या टाइमिंग वाइमिंग है, वो सब भी पता करते हैं। आइए चलते हैं मेरे साथ, कोरोना का टाइम है तो मास्क ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर फटाफट फुल स्पीड से आते रहते हैं। उधर पीछे जो है वहाँ पे फ्राई हो रहा है, वो वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो रहा है, उसको भी हम लोग कहेंगे ब्रेड रोल। क्रेजी क्रेजी चीज़ें, ये लो जी बनना स्टार्ट हो रहा है ये एकदम फुल ऑन स्पीड पे। पहले पड़ा प्याज, सब में पड़े प्याज, उधर खीरे भी चालू हो गए, सब फुल स्पीड पे। सिंपल सिंपल स्लाइसेस, बहुत सिंपल प्रिपरेशन, आप घर पे बना लोगे पर आपको ये वाला टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनके टिक्की और इनके ऊपर जो मसाला छिड़कते हैं ना उसमें बड़ा फ़र्क है। ये जो मसाला है ना, ये रीज़न है कि आप घर पे बनाओगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। टिक्की भी बढ़ गई, छोटी सी टिक्की, ये बड़ा टमाटर, सिंपल, नीचे बड़ा प्याज, उसके ऊपर बड़ा खीरा, फिर बड़ी टिक्की, फिर बड़ा टमाटर, ये असेंबली याद रखना। और ये टिक्कियाँ ऊपर फ्राई हो रही हैं, ये लो जी ये बर्गर इस पर ढक गया और इस पर इनका टिश्यू लग गया, बस ये इधर पास कटिंग कटिंग कटिंग। ये इनकी सबसे दो पॉपुलर आइटम है, आप यहाँ पे आगे बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, ब्रेड पकौड़े हैं इनके पास, कोल्ड कॉफ़ी है, बट जो इनका ब्रेड रोल और ये यहाँ पे लग रहा है ब्रेड रोल और जो बर्गर का टेस्ट है ना, दैट इज़ अनमैचेबल। हर देहरादून वाले बंदे को पता है इनके ब्रेड रोल और बर्गर के बारे में, बफे बर्गर। चलिए जी आइए इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है, हमारा भी एक लगवाते हैं। तो गाइज़ हमने आप लोगों को बफे बर्गर के बर्गर्स बनते हुए दिखाए और उनका स्पेशल और दो चीज़ें दिखाई। यहाँ पे आ गया हमारा बर्गर का ऑर्डर, हुई हुई हुई, बड़ा सिंपल सा ये। इसको मैं इसका थोड़ा सा टिशू विशू हटाता हूँ, टिशू विशू हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखिए। ये जैसे गुप्ता जी बर्गर होता है ना फ्राई, टिक्की छोटी सी डाली हुई है, टमाटर डाला हुआ है, प्याज डाला हुआ है, खीरा डाला हुआ है, बस नाम की तीन चीज़ें, बर्गर और इतना फेमस है, इतना फेमस है देहरादून वालों पर कैमरा डाला जाए। हाँ जी भरत भाई, बहुत फेमस है, कुछ नहीं है इसके अंदर बड़ा फील जो है ना, ये जो बर्गर को फ्राई करते हैं ना, ये आई थिंक देहरादून में और कोई नहीं करता, तो वो जो चीज़ है ना दैट इज़ लेजेंडरी। और ये इनका आई थिंक रिसेंट स्टार्ट है, नहीं रिसेंट नहीं है, ये भी बहुत टाइम से है, बट बफे बर्गर जैसे जो जाना जाता है, ये बफे शॉप ये बर्गर से जाना जाता है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर अदर स्पेशलिटीज। जैसे मेरे को वो लग रहा है दही के छोले जैसे होता ना, नहीं इसमें ब्रेड ब्रेड रोल है, ब्रेड रोल ही है एंड इसकी शेप बड़ी चाप टाइप सी बना रखी है, वही 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 ये पढ़ो थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल। और चटनी इनकी बड़ी चटनी नहीं है, वो केचप है पर थोड़ी सी अलग टाइप की, वो एकदम गुप्ता जी बर्गर टाइप की केचप है, वो मतलब गुप्ता जी बर्गर जो होता है ना डेली में मिलते हैं, ऐसे डेली में स्ट्रीट फूड में जो बर्गर मिलते हैं ना उनको ऐसे ही फ्राई कर देते हैं। ओके। और चटनी भी एकदम ऐसी होती है, एकदम सैचुरेटेड रेड वाली। ओके ठीक है, ओके चीयर्स चीयर्स चीयर्स। क्रंचीनेस वो आ रही होगी, टिक्की छोटी थी ना पीछे भाग गई, इसका वेरी सूदिंग का बर्गर है। और टिश्यू इसके लिए देते हैं क्योंकि मैं बहुत मैसी हो जाता है, तीन चार चीज़ें डाली उसके बाद भी। और वो जो चीज़ है ना ये देहरादून में और नोबडी डज दिस बर्गर, बाकी सब नॉर्मल तवे पे सेक के दे दिया, फिर आए बफे वाले फ्राई करके दे दिया, उसका स्वैग ही अलग होता है, समझ लो। एक बार इसका भी टेस्ट लेता हूँ, बहुत लोडेड था, देखो थोड़ा सा में नमक का टेस्ट आ रहा होगा ऊपर, मसाला थोड़ा सा मसाला नमक डाला हुआ है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंचीनेस इसकी अलग ही लेवल की है। तो भी ऑनेस्ट मैं सच्ची बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, मेरे को बर्गर से ज़्यादा अच्छा ये लगा। ओके बट नो डोंट टेल एनीबॉडी, दंगे बंगे हो जाएंगे फिर, हम आम जिम्मेदार नहीं उस बातों के लिए। दिस गुड, बहुत बढ़िया। शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, रात का नाश्ता, हर जगह का नाश्ता पूरे दिन चलता है, देंगे पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है, सेम चीज़ है। कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत फेमस है बट सीजनल है, एंड मैंगो शेक भी बहुत फेमस है बट वो भी सीजनल है। आते जाते खाते जाओ, टाइम मिलेगी
पर आप सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बताओ आपको कौन सा बर्गर ज़्यादा बढ़िया लगता है, स्ट्रीट फूड वाला या फिर ब्रांड वाला, आपको कौन सा बढ़िया लगता है? लाइक स्ट्रीट फूड टिपिकल ठेला टाइप का बर्गर या फिर ये एम वाले ब्रांड या फिर बीके वाले ब्रांड या वो देहरादून की बंटिक की पसंद है, वो भी आपको आने वाली वीडियोस में जल्दी पता चलेगा। अच्छा तो मतलब आप स्ट्रीट फूड वाले हो? हाँ, हम भी स्ट्रीट। आप कमेंट करके बताओ आर यू स्ट्रीट फूड बर्गर का है और ब्रांडेड बर्गर का है। सही बात, सही बात है। चलो इसको खत्म करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ और बढ़िया सा बेहतरीन जायके लेते हुए। कौन सी जगह, कौन सी है, एरिया कौन सा है? राजपुर रोड। राजपुर रोड, राजपुर रोड घंटाघर के पास। किसी से भी पूछोगे बफे बर्गर कोई भी बता देगा, अल्ट्रा फेमस। चलो जी, 11 बजे से 11 टू 11 और कितना टाइम हो गया इसको? अच्छा एक सवाल आपसे पूछूं, मतलब ये आपने कैसे सोचा कि बर्गर के बन को फ्राई करेंगे? वो करते नहीं है लोग ज़्यादा, कोई भी नहीं करेगा। हाँ वो देहरादून में कोई भी नहीं करता। हाँ अच्छा, तो वो कैसे सोच में आया? अच्छा कोई नॉन में होंगे? हाँ जी, इनसे एकदम एक्सक्लूसिव पता करवाया हम लोगों ने, कोई और फ्राई नहीं करता यहाँ पे। मोहन जी जब जॉब करते थे खाने का शौक था उनको, तो खाना कहीं से उन्होंने ये चीज़ देखी और फिर वो ब्रांड आज बन गया ऐसा। हाँ तो वो एक बर्गर से स्टार्ट होते होते आज ये पूरा बफे बन गया। हाँ पर स्टार्ट बर्गर से ही होगा, ब्रेड रोल सब पहले से सब कुछ है। अच्छा जी, मैंने खाया आपके, बड़े मज़ा आया मेरे को खा के। अच्छा मोहन जी, मज़ा आया आपसे मिलके। ओके जी, गाइस अभी हम लोग देहरादून में हैं। भरत, इतनी ठंडी पड़ती है देहरादून में, तुम सॉफ्ट सब क्यों खाते हो? शौक है सभी का। कहाँ पे आए अभी हम लोग? हम लोग पल्टन बाजार गैलॉड आइसक्रीम पे हैं। सॉफ्ट सब खा रहे हैं, सॉफ्ट सब खाने वाले यहाँ पे। मेरे को लग रहा है बेकरी से ज्यादा लोग कौन खा के निकलते बनते हैं। आए कौन खाया और मन करा तो बिस्कुट विस्कुट पैक करा लिया और निकल दिए, निकल गए। सो सिंपल, वही वही। पर इतनी ठंड में कौन क्यों खाते, गला खराब नहीं होता? नहीं आदत है सबको, भाई भी चलती है। ये देहरादून वालों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम दिल्ली वाले थोड़े कमजोर है, देखते हैं थोड़ा कम खा लेंगे पर खाएंगे जरूर आए तो। ठीक है लेट्स सी। बॉस मुझे ये बताओ आपकी बेकरी है, पर आपकी बेकरी से ज्यादा लोग सॉफ्ट सॉफ्ट कौन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, व्हाट इज द स्टोरी? देहरादून में इतनी ठंड में कौन कैसे खा रहे हैं लोग? इट इज बैक फ्रॉम 1968 व्हेन वी स्टार्टेड। अच्छा आवर ग्रैंडफादर। तो ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, 40-50 साल से लोग आके कौन खाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो इसमें व्हाट इज इतना स्पेशल, क्या है इसमें सर? स्पेशल तो हमारे अपने रॉ मटेरियल्स है दैट आर मेंटेनिंग द प्रीमियम क्वालिटी। अच्छा आपकी ये अपने इन हाउस वो है आइसक्रीम, और कितने फ्लेवर्स हैं इसमें? अराउंड 9 to 10 फ्लेवर्स अवेलेबल है। ऑसम। रेंज कितनी है? 15 से स्टार्ट हो जाता है सर और 60 रुपीज तक जाता है। 15 से 60 तक जाता है, आप पल्टन बाजार में आके कभी भी खा सकते हैं। एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी, मैं अपना कौन खुद डाल सकता हूँ? बिल्कुल सर। यस ओके, थैंक यू सो मच बॉस। गाइज वेरी सिंपल, ये है जो इस बेकरी को मशहूर बनाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट कौन, अलग अलग फ्लेवर रहते हैं, 15 से 60 रुपीज़ प्राइस रहता है, आप आगे खा सकते हैं। करना है, बचपन से मेरे मन की तमन्ना थी कि वो ऐसे कोई दे ना करूँ। आज कहे ना कि इतने ज़्यादा व्यूअर सब्सक्राइबर्स आ गए तो लोग थोड़ा सा ना जो बचकानी जो डिमांड है ना वो पूरी करते थे। बचपन में तो बोलते थे जाओ जाओ जाओ, आज थोड़ा बोलते थे चलो कर लो, चलो बचपन की यादें ताज़ा कर लो। कैसे करना, ऊपर करना है नीचे? बस अब उसमें नहीं डुबारा, मैं ऐसे बस हल्का सा वो कर देता हूँ, साइड में करूँ ऊपर। क्या कह रहे थे अगर, क्या कह रहे थे? बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ये आप ही के बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है, पर बचपन से मन था करने का तो आज कर लिया, धन्यवाद। आइए लो, ठीक है धन्यवाद। भाई मुश्किल काम है, देखने में आसान लगता है, ऐसे ऐसे करना, दिस इज डिफिकल्ट वर्क। सॉफ्ट सॉफ्ट तो आप यहाँ के खा सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इट्स अ प्योर बेकरी। यहाँ पे सारी ये वाली कुलचा आइटम्स हैं, डोसा मिल रहे हैं, पानी पूरी मिल रही है, ब्रेड्स आप पैक करवा के ले सकते हैं। यहाँ पे राइट में देखो लोग बैठ के खा रहे हैं, बट वी विल फोकस ऑन बेस्ट ऑफ द बेस्ट विच इज़ द सॉफ्टी। लेट्स गो एंड हैव द सॉफ्टी। भरत भाई से पूछते हैं, देखो आगे लग ही जा रहे हैं, लाइक सेकेंड सेकेंड में, एवरी 5 सेकेंड देयर इज अ न्यू सॉफ्ट सर्व गॉन, देन 9-10 फ्लेवर्स है, सो सिंपल। ओ भाई ये कौन सा है, ओरियो? ओरियो अभी दूसरा वाला रोक देना, अभी पहले ये खाते हैं। ओ भाई ये लुक्स लाइक क्या लग रहा है, ये तबाही लग रही है ना?
ऐसे वो होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सही में वो लग रहा है। गाइज ये इनकी ओरियो जेम्स बहुत लोडेड सी है, देखो नॉर्मल वेनिला आइसक्रीम है, इन हाउस वेनिला आइसक्रीम, उसको चॉकलेट सॉस में डिप करा, उसके ऊपर ओरियो लगाया, उसके ऊपर नटीज लगाए, उसके ऊपर ये जो वो आते थे ना मंचीज टाइप की वो लगाई और पीछे जेम्स लगाई। इसकी इतनी बेहतरीन चीज़ है ना, इसकी हम लोगों ने फोटो खींचते खींचते इसको ना थोड़ा सा पिघला दिया। अब इसकी एक बाइट टेस्ट करते हैं, बहुत शानदार लग रहा है। ओ भाई जेम्स पिघल रही है और उसका कलर वेनिला आइसक्रीम ले रही है ना, तो क्रेजी ना, बहुत क्रेजी है भाई। मेरे घर वालों को मत बताना मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, घर वालों ने बोल के भेजा था ठंडा मत खाना कुछ। अच्छा हाँ पापा, भरत ने बोला मेरे को। अब तुम्हारे लिए लेके आते हैं, एक करवाते हैं तुम्हारे लिए, कौन सी वाली क्रेजी वाली कराते हैं कोई और? हाँ, दूसरी जो होने वाली है अभी। सही है भाई, अब क्या करोगे, खत्म करते हुए देखोगे क्या? जरा कैमरा ऊपर फोकस मारिए, ये है शंकर जी, शंकर जी बना रहे हैं इतने टाइम से सॉफ्ट सर्व, उनको एक्सपीरियंस है। वेनिला और चॉकलेट मिक्स वाला है ये, इसमें गए ड्राई फ्रूट्स। ओ भाई क्या कर रहे हो शंकर जी, मेल्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, पक्का कॉन्फिडेंस है? क्या कर रहे हैं ये दो, कनाडा से भी आगे निकल गए? ऐसा बेल्जियन वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बेल्जियन डार्क चॉकलेट खा रहे हैं। अब ये भी देखो खानी तो पड़ेगी, चलो एक एक, एक इसका बाइट तू मार ले, ये हम पुरानी वाली तुम्हारी पकड़ लेते हैं। एक सेकंड रुको, एक पहले इसको देखो कितनी बेहतरीन लग रही है, पहले तो इसकी फोटो खींच कर ना इंस्टाग्राम वालों को जलाते हैं, तुम दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हो, देहरादून में तो असली मजे हम ले रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा इसके लिए बचा लेते हैं क्योंकि फिर भरत बोलेगा भाई दो ये भी खा ली, ये भी खा ली। ले भाई ये क्या खाएगा? ड्राई फ्रूट है ना, इंसाफी होगी मेरे साथ। क्यों? क्यों वो ज़्यादा अच्छी थी, वो इसने पकड़ ली, मेरे को ये वाली दे दी। जब ऐसा होता गुड बेटर बेस्ट, गुड तो नॉर्मल थी जो सब लोग खा रहे हैं, फिर हम लोग आ गए बेटर पे लोडेड पे, बेस्ट वाली इसने ले ली, धोखा किया तूने मेरे साथ, मैं याद रखूँगा जिंदगी भर। कल भी आते वो कल कभी नहीं आता, ये कल पता कौन सा वाला है भाई, कल चलेंगे गोवा, वो गोवा कभी नहीं आता। चलो जी जाते कुछ और बढ़िया खाते हैं। पापा ने बोला था कुछ ठंडा नहीं खाना, पर देहरादून आ गया तो खाना तो पड़ेगा घरेलू नुस्खे।